ये देख लिया भाई, बॉक्स एकदम खत्म हो चुका है, फुल खत्म हो चुका है, फुल एंड फाइनल बॉक्स खत्म है। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था, इनकी कंडीशन बहुत खराब होने लगी थी। फिर मैंने आसिम भाई से बात की, सारी सिचुएशन बताई, तब उन्होंने हमको दवा बताई। वो दवा है सब्सक्राइब दबाकर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अलीगढ़ बजीज एंड फिंचेस की YouTube फैमिली के सभी मेंबर्स को अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम पठान आज आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने लबर्स के अंदर होने वाले पॉक्स का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका नाम होता है फॉल पॉक्स और एवियन पॉक्स। ये जो होता है खास तौर से लबर्स के अंदर, कैनरीज के अंदर, पिजियंस के अंदर और चिकन के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, जब ये पॉक्स लबर्ड के अंदर एंटर होता है तो यकीन मानिए बड़े बड़े ब्रीडर्स, बड़े बड़े सेटअप वाले भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं और लाखों के बर्ड्स का उनका नुकसान हो जाता है। दोस्तों, जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ जिसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिला है हमको, तो ये मेडिसिन आपको ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है और ना ही आपको गूगल पर मिलने वाली है। दोस्तों, पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। दोस्तों, ये एक तरीके का पॉक्स है। पॉक्स जो होता है ये वायरस से होने वाली बीमारी है। जैसा कि इंसान के अंदर चिकन पॉक्स हो जाता है, उसी तरीके से बर्ड्स के अंदर एवियन पॉक्स और फॉल पॉक्स हो जाता है। इस बीमारी को दोस्तों चेचक भी बोलते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो मैं उसका आपको फोटो दिखा रहा हूँ। येलो कलर के दाने और फोड़े पुंसी टाइप के निकल जाते हैं बर्ड्स के, जिसकी वजह से बर्ड्स कमजोर हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है, मर जाता है। दोस्तों, इनका जो इन्फेक्शन होता है येलो कलर का होता है देखने में, इसके अंदर पस भर रहा होता है जिसको मवाद बोलते हैं हिंदी में। फोटो में आपको दिखा रहा हूँ, ये अक्सर देखने को मिलता है फेदरलेस स्किन पर मिलता है, जहाँ पर परिंदे के पर नहीं होते, ये वहाँ पर निकल कर आता है, जैसे कि आंखों के पास, चोंच के पास, नाक के ऊपर और पंजों पर। और जब ये हलक के अंदर या मुंह के अंदर निकल के आता है जुबान के ऊपर, तो दोस्तों परिंदे का बचना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि ऐसे मौके पर परिंदा कुछ खा नहीं पाता तकलीफ की वजह से, और वन बाई वन परिंदे मरना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ये बीमारी बाहर से आती है और कभी कभी सेटअप के अंदर भी पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको सफाई रखनी है, और किसी भी तरीके का जो सॉफ्ट फूड बचता है आपके केज के अंदर उसको आप उसी के अंदर छोड़ना नहीं है, आपको उसको पर डे के हिसाब से बाहर फेंकना है, हटाना है उसको, और नया दाना और नया सॉफ्ट फूड देना है। और बाहर से कोई भी परिंदा खरीद के जब भी आप लाएं उसको, तो कम से कम 2 से 3 महीने तक उसको अपने शेड में नहीं ले जाना है, अपने फार्म में नहीं ले जाना है, अपने कॉलोनी के अंदर नहीं लेके जाना है, उसको काफ़ी दूर रखना है, दूसरे रूम में रखना है। जब आप देखें कि 2-3 महीने में वो बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, तभी आप उसको अपने कॉलोनी में या शेड में छोड़ा करें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ये होता है कि बाहर का ख़राब परिंदा आ जाता है और हमारे पूरे पूरे सेटअप को ले डूबता है। इसके साथ साथ दोस्तों, कभी भी आप शेड के अंदर जाया करें तो बाहर के कपड़े और बाहर के शूज़ पहन के ना जाया करें, उसके लिए आप अलग इंतज़ाम रखें, वही पहनकर आप अंदर एंटर हुआ करें। और कभी कभी दोस्तों ये बीमारी मच्छरों से भी फैलती है। मच्छर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वायरस को कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पड़ोस में सेटअप है, उसके यहाँ ये वायरस आया हुआ है, तो क्या होता है, मच्छर या फिर जो इनकी माइट्स होती हैं, उड़ने वाली जुएँ, ये वहाँ पर काटती हैं, और काटने के बाद हवा के जरिए मच्छर उड़ के आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो आपके सेटअप में आकर अगर आपके बर्ड्स को काटेंगे तो दोस्तों इससे भी बीमारी फैलती है। तो ये तरीके का ये एक स्प्रेड होने वाली बीमारी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके यहाँ बीमारी हो जाती है इसका इलाज हमने ढूंढ लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका पॉजिटिव हमको रिजल्ट मिले हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के यहाँ इसका इस्तेमाल करवाया है, जिसमें से मैंने कुल 2 लोगों की वीडियो आपको शो करने वाला हूँ। दोस्तों, जो रिजल्ट की वीडियो है मंगवाने को, तो मैं 50 वीडियो मंगवा लेंगे आपके लिए, 50 के 50 आपको दिखा देंगे, लेकिन होगा क्या कि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए कुल 2 एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं और उनकी खुशी का इजहार आपको दिखाएंगे कि वो कितने खुश हैं अब। दोस्तों, पहली वीडियो में आपको अयाज भाई के दिखा रहा हूँ, इनके यहाँ रिंग म्यूचुएशन है, सब में पॉक्स फैल गया था और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेडिसिन से बिल्कुल ठीक हो गया। तो दोस्तों अयाज भाई आपको अपनी जुबान से खुद बताएंगे, आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई आसिम भाई, ये वही बर्ड है जिनके पॉक्स हुआ था, और उनको मैंने क्या यूज कराया था वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप वीडियो में तो जाहिर सी बात है बताएंगे, इसलिए मैं खुद बता के ये वीडियो को नहीं लंबा करना चाहता हूँ, तो ये भी वीडियो लंबी होगी और वो भी वीडियो लंबी होगी, इसलिए भाई ये बर्ड देख लीजिए, धूप बहुत तेज़ है इसलिए बर्ड हाँप भी रहे हैं, और कुछ बर्ड ये मोखले जो दिख रहे हैं इसके अंदर घुसे हुए हैं भाई, इसलिए पूरे बर्ड दिख भी नहीं रहे। बस वीडियो बनाने का यही रीज़न था कि ये देख लीजिए भाई, पॉक्स एकदम ख़त्म हो चुका है, फुल ख़त्म हो चुका है,
फुल एंड फाइनल बॉक्स ख़त्म है। और मैंने क्या यूज़ कराया है वो आतिम भाई आपको बता देंगे। अल्लाह हाफिज़। ये तो थे दोस्तों अयाज भाई, जिनके यहाँ ये एक फार्मूला बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करा है। अब आपकी मुलाकात करवाता हूँ फैसल भाई से, उनके यहाँ भी ये फार्मूला ज़बरदस्त तरीके से काम किया। अस्सलाम वालेकुम अलीगढ़ बजीज़ एंड फिंचेस के भाइयों और आसिम भाई को भी। ये वीडियो मैं अलीगढ़ बजीज़ एंड फिंचेस और आसिम भाई के लिए बना रहा हूँ। भाई ये मेरे लव बर्ड्स हैं, इनको पॉक्स हुआ था तो मैं इलाज कर रहा था होम्योपैथिक, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा था बल्कि बढ़ रहा था, उसका कोई असर नहीं दिख रहा था, जिसकी वजह से मेरे दो लबड़ एक्सपायर हो गए। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लगी थी। फिर मैंने आसिम भाई से बात की, सारी सिचुएशन बताई, तब उन्होंने हमको दवा बताई, वो दवा है एसीवीर। अब आसिम भाई आपको वीडियो में कायदे से बताएंगे कि वो दवा कैसे देनी है, कब देनी है और उसके बाद क्या देना है, प्रिकॉशन बताएंगे कि कैसे बचाया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स कहूँगा मैं तौकीर भाई को, जिनकी हेल्प से इस मेडिसिन को कम्बिनेशन बनाकर हमने इस्तेमाल करवाया है, तो थैंक यू तौकीर भाई। तो दोस्तों इस मेडिसिन का आप नाम लिख लीजिए, मैं आपको बोल दे रहा हूँ और आपको फ़ोटो भी दिखा दे रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, अपने पास लिख के रख लीजिएगा, बहुत काम की चीज़ है और आप दुआ ही देंगे इस्तेमाल कराने के बाद इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये तीन मेडिसिन आप ले आइए, जिसका नाम है एसीवीर 400 यानी कि एसीवीर 400 DT के नाम से आएगी। इसका जो सॉल्ट है वो एसी क्लोवियर होता है, एसी क्लोवियर आपको इंडिया में क्या बाहर भी हर जगह मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको लेना है डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल, ये भी आपको इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको दिख रहा है डेक्सामीथासोन, ये भी दोस्तों आपको इंडिया में भी मिल जाएगा और इंडिया के बाहर भी मिल जाएगा। दोस्तों इसको जाने का जो तरीका है, आपको 250 ml पानी लेना है, ड्रिंकिंग वाटर आपको 250 ml लेना है एक बॉटल के अंदर, ठीक है। 250 ml आपने पानी ले लिया, उस पानी के अंदर आपको ये 400 DT की जो टैबलेट है एसीवीर वाली, ये पूरी टैबलेट आपको डालनी है उस पानी में, ठीक। उसके साथ साथ आपको डॉक्सीसाइक्लिन का आधा कैप्सूल डालना है, ठीक। उसके साथ साथ दोस्तों आपको डेक्सामीथासोन जो 0.5 mg की टैबलेट है उसकी आपको हाफ टैबलेट लेनी है, ये मैं लिख दे रहा हूँ हाथ के हाथ, ये आपको इस तरीके से लेना है और आपको बॉटल के अंदर डाल के 5 मिनट तक उसको अच्छे से शेक करना है। 5 मिनट के अंदर वो वाटर जो होगा ना वो मिल्की वाटर हो जाएगा, सफ़ेद पानी हो जाएगा, वो आपको फिर पिलाना है। ये आपको रात को पानी निकाल लेना है पहले और सुबह को देना है जब ये भूखे हों प्यासे हों, उसके साथ साथ आपको प्यास में पानी पिलाना है तो ये ज़रूर पियेंगे। इंशाल्लाह 5 से 6 दिन के अंदर पॉक्स सूख के मुरझा जाएगा और गिर जाएगा पॉक्स और आपके बर्ड एकदम फिट हो जाएंगे। दोस्तों इस मेडिसिन से मुंह के अंदर भी जो पॉक्स निकलना स्टार्ट होते हैं वो भी सूख जाते हैं, बर्ड से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और साथ में दोस्तों आपको एक काम और करना है, इनको डाइट के अंदर जो है ना आपको चेंज करना होगा थोड़ा सा। जब आपके यहाँ पॉक्स आए तो आपको सॉफ्ट फूड में थोड़ी चेंजिंग करनी होगी, जो सीड मिक्स होता है वो तो आपको सेम रखना है हमेशा की तरह जैसे आप रखते हैं, लेकिन सॉफ्ट फूड के अंदर आपको चना गेहूँ और जौ ये तीन चीज़ों को रोकना होगा बस कुछ दिन के लिए। इन तीन चीज़ को रोकने के बाद आपको पर डे के हिसाब से इनको रोटी देनी होगी, रोटी के अंदर दोस्तों आप इसके अंदर वीट जर्म ऑयल दें, रैक्स का वीट जर्म ऑयल आता है, एक रोटी के हिसाब से 10 से 12 ड्रॉप उसके अंदर मिलाई जाती हैं रोटी के अंदर, और रोटी के अंदर मिक्स करके सही से पहले तो आप रोटी भिगो लीजिएगा, भिगोने के बाद उसका पानी निचोड़ दीजिएगा, जब दोस्तों उसका पानी निचोड़ जाए फिर उसके बाद आपको एक रोटी के अंदर 10-12 ड्रॉप वीट जर्म ऑयल की मिक्स करनी है, और मिक्स करने के बाद आप अपने बर्ड्स को दें। लेकिन दोस्तों सिर्फ रोटी ही नहीं देनी है, रोटी के साथ साथ आपको एक काम और करना है दोस्तों, आपको इसमें गाजर देनी है, खीरा देना है और चुकंदर देना है। दोस्तों चुकंदर जो होता है सब्जी होती है, कहीं आप छजुंदर समझ रहे होंगे, छजुंदर पकड़ कर दे दें आप इसको। दोस्तों रोटी जो आपको देनी होगी वो आपको एक दिन देनी है, अगले दिन नहीं देनी, लेकिन सब्जियां जो हैं जो मैंने आपको तीनों सब्जी बताई है, चुकंदर गाजर और खीरा, ये आपको पर डे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा देना है तीनों को मिक्स करके। और दोस्तों रोटी का तो ये रखना है आपको, जैसे कि आज आपने रोटी दे दी रैक्स वीट जर्म ऑयल मिलाकर, तो अगले दिन नहीं देनी है, फिर उससे अगले दिन देनी है, फिर उससे अगले दिन नहीं देनी है, ठीक है। रोटी में आपको एक एक दिन का गैप देना है। साथ साथ दोस्तों अगर आपके बर्ड्स के पैरों पर ज़्यादा जख्म हो रहा है, ज़्यादा उसके येलोइश हो रहा है और उसके बैठा नहीं जा रहा, तो आप एसीवीर नाम की एक क्रीम मिलेगी जो कि आंखों के काम आती है। आप देखें मैं फोटो दिखा रहा हूँ, ये आंखों के लिए खासतौर से होती है, जब पॉक्स हो जाता है तो इंसानों के आंखों में लगा जाता है, जब उसको चिकन पॉक्स हो जाता है, तो ये वाली आपको क्रीम लेकर आनी है, ये दिन में बस एक बार लगानी है, उसके पंजों पर जहाँ भी जहाँ हो जाए पंजों पर भी लगानी है, और अगर आंखों के पास इन्फेक्शन हो रहा है तो ये आंखों के पास भी लगा सकते हैं। तो
दोस्तों, अगर उस बर्ड की आंख बिल्कुल चिपक गई है और बुरी तरीके से बंद हो गई है तो आपको उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, जबरदस्ती उसकी आंख खोलनी नहीं है। अगर आप जबरदस्ती उसकी आंख खोलने की कोशिश करेंगे तो उसकी आंख खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, फूट जाएगी। ये क्रीम दोस्तों आंखों के अंदर नहीं लगानी है, लेकिन आंखों के बाहर, आंखों के साइड में लगा सकते हैं जहां जहां इन्फेक्शन फैल रहा है। लेकिन ये होती आंखों के लिए है, लेकिन आपको आंखों में नहीं लगानी है। जब बर्ड का इन्फेक्शन खत्म होगा उस वाले मेडिसिन से जो मैंने बताई है टैबलेट, इससे क्या होगा, जब इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आंखें खुलना भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों इसके साथ साथ आपको पर डे के हिसाब से इन पर नीम पानी का स्प्रे करना है। नीम के जो पत्ते हैं उनको बॉयल करना है, 1 लीटर पानी में 50 से 60 पत्ते आपको बॉयल करने हैं, और जब पानी 800 ml ले जाए उसको ठंडा करके उसको बॉटल में डाल के उसका स्प्रे करना है सारे बर्ड्स पर। इससे क्या होता है, नीम से पॉक्स बहुत जल्दी खत्म होता है, पॉक्स वायरस जो होता है बहुत जल्दी भागता है। और बर्ड के साथ साथ केज पर भी थोड़ा बहुत स्प्रे करना है पर डे के हिसाब से। कॉलोनी है तो उसके अंदर भी पर डे के हिसाब से नीम के पानी का स्प्रे करना है, इससे पॉक्स वायरस जो कॉलोनी के अंदर होगा, केज के अंदर होगा, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दूसरे व्हाट्सएप और मैसेंजर पर भी शेयर करिएगा। और दोस्तों आज मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में आपके पास कौन कौन से बर्ड्स हैं। तो दोस्तों इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी बर्ड्स का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।